भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी नारेबाजी कर सत्ता में आई अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दिल्ली जल बोर्ड सरकार का सबसे भ्रष्ट विभाग बन चुका है। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि जल बोर्ड में पहले टेंडर को नामंजूर करने और कुछ समय बाद उसी टेंडर को पुनः स्वीकार कर वर्क ऑर्डर जारी करने का खेल चल रहा है, जिससे साफ है कि जब सरकार को मन मुताबिक कट मनी मिल गई है तो काम भी जारी कर दिया गया। इस मुद्दे को सीवीसी से जांच कराने की मांग करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा है कि वे उपराज्यपाल से भी इस बारे में बात करेंगे और साथ ही इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जल बोर्ड के तीनों भाजपा सदस्यों विजय भगत, सत्यपाल और राजीव कुमार के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया है कि द्वारिका में प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र का टेंडर गत वर्ष जुलाई को बोर्ड की बैठक में रद्द कर दिया गया, बाद में इसी टेंडर को जुलाई वर्ष 2021 में वर्क ऑर्डर दे दिया गया। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजन तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना एवं सारिका जैन भी उपस्थित थे। भाजपा दिल्ली अध्यक्ष ने कहा कि 280 करोड़ रुपए से द्वारिका में प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र को तैयार करने के इस टेंडर को ना तो रद्द करते समय और ना ही पुनः स्वीकार करते समय कोई कारण दिया गया। भाजपा सदस्यों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने कहा कि जब से जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन बने हैं तब से ऐसा बराबर हो रहा है कि पहले टेंडर रद्द कर दिया जाता है और फिर लेन देन पूरा होते ही उसी टेंडर को स्वीकार कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सभी तरह के नियमों की अनदेखी की जाती है, जबकि 90 दिनों के बाद टेंडर की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। जुलाई 2020 में जिस निविदा नंबर 990 को रद्द किया गया उसे ही जुलाई 2021 में निविदा नंबर 1150 के अंतर्गत पारित किया गया। दोनों ही मामलों में निविदा रद्द या स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसी के निमित्त आज एक हम खुलासा करने जा रहे हैं आपके सामने, और हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी हैं, उनके साथ मंच पर हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भाई राजन तिवारी जी हैं और हमारे तीनों मेंबर जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं वो आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। भाई विजय भगत जी, भाई राजीव जी और सतपाल जी और मेरे साथ मंच पर मेरे साथी प्रवक्ता सारिका जैन जी भी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से कि दिल्ली जल बोर्ड का जो एक घोटाला हुआ है वो आपके सामने आपको समर्पित है। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी और हमारे मीडिया के बहुत ही वरिष्ठ साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हरीश खुराना जी, जल बोर्ड के तीनों मेंबर्स श्री सत्यपाल मलिक जी, श्री विजय भगत जी और श्री राजीव कुमार जी, हमारी टीम में प्रवक्ता सारिका जी और सभी मीडिया के मित्रों, साथियों, फोटोग्राफर साथियों, भाई और बहनों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड के हालात जो खराब और बर्बादी और कंगाली के कगार पर लाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खड़ा कर दिया है, उसका एक जीता जागता नमूना, जीता जागता उदाहरण, जीता जागता सबूत आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि किस कदर दिल्ली जल बोर्ड जो एक फायदे की संस्था है थी उसको किस कदर कर्जों से लदी हुई और घाटे की संस्था बनाकर उसको बर्बाद और कंगाल कर दिया है।
दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और ये तो मैंने आपको एक नमूना दिखाऊंगा, इसके बाद लगातार आपको सीरीज भी देखने को मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड जो भ्रष्टाचार के आकंठ में गर्दन तक पहुंच गया है, डूब गया है। अभी कुछ दिन पहले डीटीसी बस घोटाला, इसके साथ ही साथ इससे पहले शराब माफिया के दबाव में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, अब ये दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो अंदर अंदर जो चल रहा है उसका दृश्य मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे सामने ये जल बोर्ड के तीनों मेंबर्स बैठे हैं। जल बोर्ड के, दिल्ली जल बोर्ड की 153 मीटिंग जो 1/10/2020 को हुई थी, उसके अंदर ये एक टेंडर इन्होंने किया, और वो टेंडर था, छोटा मोटा टेंडर नहीं था, वो 280 करोड़ रुपए का एक टेंडर था। ये आइटम नंबर 990, जिसके अंतर्गत 280 करोड़ के टेंडर को इनके बोर्ड ने रिजेक्ट किया, और ये मिनट्स जो हैं, यानी 152वीं मीटिंग के मिनट्स जो 12/6/2020 को हुए थे, उसके मिनट्स आपने 153वीं मीटिंग में कंफर्म कर दिए। यानी जो टेंडर आपने किया था 280 करोड़ रुपए का टेंडर L1 हुआ, रिजेक्ट हो गया, जिसमें डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सक्सेसफुली 1 ईयर DLP एट 10 ईयर O&M एंड सेकेंड 550 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट द्वारका एक्सपेंशन मॉडिफिकेशन इनटेक वर्क्स एट इरादत नगर एंड ऑटोमेशन फॉर द कंप्लीट वाटर सप्लाई सेंटर।